हे हेलो केस फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। किसी भी नई हैबिट को शुरुआत करने के लिए या अपने लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए आपको अपने नए साल की नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ होती है जिसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम हर साल न्यू ईयर रिसोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन साल भर टेंशन, स्ट्रेस और अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर परेशान रहते हैं, और लास्ट में हम अपने आप से ही शिकायत करते हैं कि जो गोल्स हमने बनाए थे, जो टारगेट हमने सेट किया था, हम उसे अचीव नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 कमाल के रूल्स बताऊंगा, जिसे दुनिया के ग्रेट लीडर भी यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। होप करूँगा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ज़रूर दबाना, जिससे आपको कभी हमारे वीडियोज़ मिस ना हो। सो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। हे हेलो केस फैमिली, यू वॉचिंग किट केटीएस एंड दिस इज दिकेश। चिंता और डर, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी हमारा फायदा नहीं कराते, लेकिन ये दूसरों का फायदा जरूर कराते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ तक कि ये अमेरिका में $1 बिलियन की कंपनी बन चुका है। लोग इतने डर गए हैं कि वो अपने घर में हाई क्लास सिक्योरिटी लगाते हैं, अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराते हैं, ट्रैवल और हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। हालांकि ये सब बुरा नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा उठाती है। ये आपके डर का फ़ायदा उठाती है। नए लोगों से मिलने में और नई जगह जाने में डर तो सभी को लगता है, लेकिन आपने डर और चिंता को अपने रूटीन में ऐड कर दिया है तो आप हमेशा घाटे पे रहोगे। मेडिकल साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब हम डरते हैं या चिंता करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में बहुत हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसका रास्ता क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, टीवीज में उनके इंटरव्यूज सुने होंगे, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लाइफ की हर सिचुएशन की वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो जन्म से ही इतने पॉजिटिव रहे होंगे? नहीं, यहाँ तक कि हमारा डर भी हमारे जन्म से नहीं होता। तो ऑथर हमें बताते हैं, डर और चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। ये सोच कर चलो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होगा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उससे हमें फ्यूचर में ज़रूर बेनिफिट होगा। और मेडिकल साइंस ने भी कहा है कि स्ट्रेस और टेंशन जैसी चीज़ें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमारे माइंड का ही एक स्टेट है जिसे हम ही क्रिएट करते हैं, और इसे ख़त्म करना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। डर और टेंशन जैसी चीज़ों को हम ही एनर्जी देते हैं और खुद ही परेशान रहते हैं। डर को अपने फ्यूचर के साथ खेलने मत दो। आप बार बार अपने माइंड को ये मैसेज दो कि आप पॉजिटिव हो, आप खुश हो और आप हेल्दी हो, और धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपके लाइफ से डर, टेंशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डरने से और चिंता करने से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और जिन चीज़ों को सोचकर आप टेंशन ले रहे हो, उनमें से 90% चीज़ें तो कभी होगी ही नहीं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप अपने पास्ट के ही कुछ एक्सपीरियंस और सिचुएशन को याद करो। सो प्रिंसिपल नंबर 1, न डरो न चिंता करो, बस अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। दुनिया में डेली करोड़ों लोग अपने आप को ये बताते हैं कि हम आज से ही अपने बैड हैबिट छोड़ देंगे, या तो कोई नया अच्छा हैबिट बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे सिगरेट ना पीने की हैबिट, टीवी कम देखने की हैबिट, कम मीठा खाने की हैबिट। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कुछ टाइम बाद उनका पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। जो बातें उन्होंने की थी वो सारी बातें उन्हें बेकार लगने लगती है। उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। कोई भी हैबिट बनाने से पहले आपको ये बात जाननी चाहिए कि हैबिट क्या होती है और ये कैसी बनती है। हैबिट एक पतले धागे की तरह होती है जिसे आप डेली बुनते हो, और धीरे धीरे करके ये इतनी मजबूत रस्सी बन जाती है कि इसे एक बार में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने बैड हैबिट्स तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका हैबिट उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया है जिसे वो एक बार में नहीं ख़त्म कर सकते। इसका एक कारण ये भी है, मैक्सिमम लोग उन चीज़ों में फोकस करते हैं जिन चीज़ों को उन्हें छोड़ना है, बल्कि आपको उन चीज़ों को छोड़ने के लिए उन दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हैबिट आप उनके बदले में बनाना चाहते हो। मतलब आप अपने बैड हैबिट पर कभी भी फोकस मत करो, उसके बदले आप अपने पॉजिटिव हैबिट्स पर, अपने अच्छे हैबिट्स पर फोकस करो। जब आप उन बैड हैबिट्स को इग्नोर करोगे तो धीरे धीरे वो आपके लाइफ से जाने लगेगी, उनका डिज़ायर कम होने लगेगा और उन्हें छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप एक डिसीजन लो, और वो डिसीजन होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने पॉजिटिव हैबिट्स पर
अपने गुड हैबिट पर ही फोकस करोगे। सो प्रिंसिपल नंबर टू, मेक ए गुड हैबिट। जो लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है कि वो चाहते हैं कि उनका डाटा बैंक हमेशा भरता रहे। वो चाहते हैं कुछ ना कुछ हम अपने माइंड में फीड करते रहे। उनका माइंड एक कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है, जिसमें वो अपने काम की नॉलेज को स्टोर करते रहते हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने नॉलेज को बढ़ाने की। जो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, वो ये बात जरूर जानते हैं कि उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। आप कितना भी कुछ क्यों ना सीख जाओ, आपको नया सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इंसान ने भी कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो कहते हैं, जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको पता होता है कि आप क्या बोलोगे, या आप वही चीज़ें बोलोगे जो आपने पहले से कहीं सुनी हुई है। लेकिन जब आप सुनना शुरू करते हो, आपको कमाल की बातें पता चलती है आपको पहले से पता नहीं होती। तो हमेशा सुनने में अपने लिसनिंग पर फोकस करो। इससे ना सिर्फ आप बहुत कुछ सीखोगे, बल्कि इससे लगातार आप लोगों से जुड़ते चले जाओगे, कि लोगों को उनकी बातें सुनने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। हो सके तो कम बोले और ज़्यादा सुने, दूसरों की नॉलेज उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले, क्योंकि लाइफ के हर सिचुएशन का एक्सपीरियंस लेते लेते आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। सो प्रिंसिपल नंबर थ्री, नई चीज़ें सीखते रहे और अच्छी बातें सुनते रहे। फेमस ऑथर डेल कार्नेगी ने कहा था कि अगर कोई मुझे 40 मिनट का टाइम दे एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 30 मिनट पहले उस कुल्हाड़ी को धार कराऊंगा और बचे 10 मिनट में उस पेड़ को काट दूंगा। तो यहाँ उनका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे आप बिना हार्ड वर्क करे ही बहुत ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाए। आप आज से ही अपने शेड्यूल को रिसेट करो, उसमें ऐसी चीज़ें ऐड करो जो आपका टाइम बचाए, या आप अपने डेली किए जाने वाले काम को कुछ ऐसे तरीके से करो जिससे आपका टाइम और आपकी एनर्जी बचे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इससे आप अपनी सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से पहुंचोगे और अपने लाइफ के माइलस्टोन, अपने गोल्स, अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। सो प्रिंसिपल नंबर फोर, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। किसी भी काम को करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है वो किसी नई चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन जिस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने डेली किए जाने वाले काम को भी इस तरीके से करता है कि उसे उस काम से निकाल देना चाहिए। और कॉन्फिडेंस की एक बात अच्छी है कि इसे आप खुद ही डेवलप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस किसी को भी जन्म से नहीं मिलती। आप जैसे माहौल में रहते हो, जैसा सोचते हो अपने बारे में, आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस उसी लेवल का बन जाता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो आप पॉजिटिव फील करोगे, और अगर आप अपने बारे में बुरा फील करते हो, नर्वस रहते हो, तो आप हर जगह अनकंफर्टेबल फील करोगे। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो और सोचते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर सकते हो, आप कभी थकोगे नहीं, आप में एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि जिस इंसान में एनर्जी और कॉन्फिडेंस होता है, वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसे बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें से पहला है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, नए और फ्रेश फील करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, अगर वो अच्छे से प्रेस नहीं है या फटे हुए हैं, तो आप ऐसे ही नर्वस हो जाते हो। तो कोशिश करो कि आप हमेशा अपना बेस्ट दो। आईने के सामने अपने आप को देखो और खुद से पूछो कि आप एक जेंटलमैन की तरह दिख रहे हो, क्या आप इससे अच्छा दिख सकते हो। लोगों से बात करते समय आई कॉन्टैक्ट करो। जब तक आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, उनकी आंखों में देखो, आई कॉन्टैक्ट करो। साथ साथ आपके होंठों में एक स्माइल होनी चाहिए। और जब आप हैंडशेक करते हो, तो आपका हैंडशेक एक स्ट्रांग हैंडशेक होना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस की झलक हो। सो प्रिंसिपल नंबर फाइव, ऐसे रास्ते ढूंढो जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सको। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एक कारण ये चीज भी हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तब भी हम ज़्यादातर नर्वस हो जाते हैं। सो गाइस, ये सारी बातें मैंने आपको 24 आवर्स टर्न अराउंड से बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और काम की लगी है, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिरेकल की तरह काम कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से आपको भी फ़ायदा हो रहा है, लोगों की नज़रों में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको हमेशा हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।